वेलकम स्टूडेंट्स, बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बच्चों शॉर्टिंग, है ना। हम पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन में हमने डेटा फ्रेम के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें अब हम देखेंगे कि शॉर्टिंग क्या होती है और इस शॉर्टिंग को हम अपने डेटा फ्रेम में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसे अलग अलग हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किसको, शॉर्टिंग को, ठीक है। अब शॉर्टिंग क्या होती है, नाम से ही क्लियर है कि आप आपके डेटा को किस तरीके से क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वेव्स में, डेटा फ्रेम के अलग अलग पॉइंट्स में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्टिंग क्या होती है। तो देखिए शॉर्टिंग में देयर आर टू काइंड ऑफ शॉर्टिंग अवेलेबल इन पांडा, मतलब पांडा दो में दो तरह की शॉर्ट अवेलेबल होती है, एक होती है बाय लेबल और दूसरा होता है बाय एक्चुअल वैल्यू, मतलब लेबल के तरह किस तरीके से कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर एज एन एग्जांपल विथ अ आउटपुट, हम इसे एक आउटपुट के साथ देख लेते हैं। अगर देखिए हमने यहाँ पर क्या करी, दो फाइल को इंपोर्ट किया, अनशॉर्टेड एक पीडीएफ बनाई, यहाँ पे इंडेक्स दिया, कॉलम दिया और उसको प्रिंट करवा दिया अनशॉर्ट में। तो बच्चों इसका जो भी आउटपुट आता है आएगा, वो पूरा आउटपुट कैसा भी आएगा, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 4 आया, जो बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, है ना। जो भी डेटा कंप्यूटर को जिस तरह से जहाँ से मिला उसने वो डेटा वहाँ से क्या करा, उठा के आपको आउटपुट दे दिया। तो ये आपकी कौन सी लिस्टेड होती है स्टूडेंट, जिसे हम अनशॉर्टेड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बच्चों बात करें कि शॉर्ट क्या होता है, तो हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को शॉर्ट करते हैं। जैसे फॉर एक स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, तो सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली बैठते हैं, तो वो अल्फ़ाबेटिक क्या होते हैं बच्चों, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके जो दो पॉइंट है, बाय लेबल और बाय एक्चुअल वैल्यू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको एज ए एग्जांपल दिया, है ना, पांडाज एसपीडी, यहाँ पे अनशॉर्टेड लिस्ट दी, उसमें पूरे कॉलम्स दिए और डीएफ किया। देखिए पूरी चीज़ें कहीं भी से भी उठकर आ गई। अब नीचे क्या लिखा, इन अनशॉर्टेड द लेबल एंड वैल्यू इज़ अनशॉर्ट, शी कैन बी शॉर्ट, है ना। मतलब सारी चीज़ें क्या थी, अनशॉर्ट थी, बट अब हम उसे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से उसे ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं, तो बच्चों करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या करेंगे आप, जहाँ पे यहाँ अनशॉर्ट लिखा है लास्ट वाली लाइन में, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों, शॉर्टेड अंडर स्कोर डीएफ। तो जो भी आपका डेटा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये आपकी क्या थी, अनशॉर्टेड लिस्ट। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टिंग के अंदर, शॉर्टिंग को हम और कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा, बाय लेबल से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम इसको ऑर्डर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम शॉर्ट द कॉलम, अलग अलग कॉलम्स वाइज भी हम इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय वैल्यू, वैल्यू के थ्रू भी हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और बाय शॉर्टिंग एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम के थ्रू भी हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, आपकी अलग अलग लिस्ट है, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह इतनी तरीके से पांडा के अंदर हम चीज़ों को क्या करते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों इसके हम एक एक करके सारे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाय लेबल से किस तरीके से शॉर्ट होगा, ऑर्डर बाय शॉर्टिंग्स का यूज़ कैसे करेंगे, शॉर्ट द कॉलम, किस तरीके से कॉलम को शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से वैल्यू को शॉर्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से एल्गोरिथम को क्या कर सकते हैं, हाँ, शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए अब पहला हम देखते हैं बच्चों शॉर्टिंग एल्गोरिथम, मतलब किस तरीके से हम एल्गोरिथम को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। देखो शॉर्ट वैल्यू प्रोवाइड अ प्रिवेंशन टू चॉइस द एल्गोरिथम फ्रॉम मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट इज़ द ओनली स्टेबल एल्गोरिथम,
ठीक है, मतलब हम एल्गोरिथम को शॉर्ट कर सकते हैं किस तरीके से बच्चों, राइट, मर्ज शॉर्ट के थ्रू, हिप शॉर्ट के थ्रू, क्विक शॉर्ट के थ्रू या मर्ज शॉर्ट के थ्रू। बट फिलहाल अभी हम मर्ज शॉर्ट के थ्रू चीज़ों को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट। शॉर्टिंग की बहुत सारी एल्गोरिथम होती है बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम मर्ज शॉर्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए मर्ज शॉर्ट क्या है, हमने इम्पोर्ट किया दो लाइब्रेरी को, ठीक है, एक अनशॉर्टेड लिस्ट बनाई, एक शॉर्ट चाहिए हमें किसके, बाय कॉलम वाइज और मर्ज शॉर्ट के वाइज। तो देखिए उसने हमें प्रिंट में क्या करा, शॉर्ट मांगा हमने उससे, तो उसने हमें आउटपुट दिया 0, 2, 3, 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम को भी बिल्कुल मर्ज किया और कॉलम 2 को भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मतलब शॉर्ट मर्ज शॉर्ट में शॉर्टिंग को क्या करा, परफॉर्म कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके क्या है, शॉर्टिंग्स की, अलग अलग टाइप्स की शॉर्टिंग थी जिसमें हमने क्या देखा, तो हमने इसमें मर्ज शॉर्ट के थ्रू शॉर्टिंग देखी। क्लियर? चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट होता है हमारा बाय वैल्यू। जैसे मैं आपको बताऊं प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इस तरीके से बात की थी, तो शॉर्ट एल्गोरिथम देख लिया था, अब हम बाय वैल्यू पर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम वन बाय वन चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या है आपका बाय वैल्यू, चलते हैं क्या लिखा है इसमें। लिंक इंडेक्स शॉर्टिंग शॉर्ट वैल्यू इज द मेथड ऑफ शॉर्टिंग बाय वैल्यूज इफ एक्सेप्ट अ बाय आर्ग्यूमेंट विच विल यूज द कॉलम नेम ऑफ द डेटा फ्रेम विथ विच द वैल्यू आर टू बी शॉर्टेड। मतलब जिस तरीके से हम दूसरी चीज़ को शॉर्ट किया, उसी तरीके से हम बाय वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। अब किस तरीके से हम अपनी वैल्यू को शॉर्ट करेंगे बच्चों, तो देखिए हम अपनी वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने दो फाइल ली, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी, इम्पोर्ट नमपा एस एन पी, एक फर्स्ट वाले को शॉर्ट किया, अनशॉर्ट किया और दूसरों को फिर उसे कॉलम को वैल्यू के वाइज शॉर्टेड किया। यहाँ पर लिखा है मैंने बच्चों शॉर्ट बाय वैल्यू, ठीक है, और फिर इसे क्या करवा दिया, प्रिंट। जैसे ही आप प्रिंट करवाएंगे तो जो भी वैल्यू होगी बकायदा आपकी वैल्यू कॉलम के वाइज क्या हो गई स्टूडेंट, शॉर्ट हो गई। तो ये आपका क्या था बच्चों, बाय वैल्यू शॉर्टिंग था। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए अब अगर आप बुक की बात करें तो बाय वैल्यू, फिर ऑर्डर बाय से भी आप शॉर्टिंग कर सकते, कॉलम से भी आप शॉर्ट कर सकते, ठीक है। उसके बाद शॉर्टिंग के एल्गोरिथम का भी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया, और भी चीज़ें आप बुक के अंदर से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रीनेमिंग इंडेक्स, मतलब हम अपने इंडेक्सिंग को किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें द रीनेम मेथड अलाउ यू टू एबल एन एक्सिस बेस्ड ऑन द सम मैपिंग और डिक्शनरी और सीरीज ऑफ एन आर्बिटरी फंक्शन। मतलब रीनेम मेथड के थ्रू लेबल को आप एक्सेस कर सकते हो, डिक्शनरी कर सकते हो किसी भी सीरीज को किसी मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हमने दो फाइल लिखी, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी, इम्पोर्ट नमपा एज एन पी, है ना, एज एग्जाम्पल देखा। फिर यहाँ पे लिखा डेटा फ्रेम एन पी डॉट रैंडम 63 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। फिर यहाँ किसको प्रिंट किया, डी एफ को। वैसे ही हमने नेक्स्ट हमने एक आफ्टर रीनेमिंग रो एंड कॉलम की, कि उस रो को हमें मतलब फर्स्ट कॉलम को सी एल से करना है और कॉलम टू को सी टू से क्या करना है, इंडेक्सिंग नंबर को क्या करना है, चेंज करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम रीनेम फंक्शन का यूज़ करके, रीनेम मेथड का यूज़ कर सकते, क्या कर सकते, अपने कॉलम को रीनेम कर सकते। सेम बच्चों इसी तरह डिलीटिंग इंडेक्सिंग भी होती है, अगर आप किसी इंडेक्सिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से उसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ पिवोटिंग, है ना, पांडास पिवोटिंग टेबल क्या होती है और वो किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पहले थ्योरी में देखते हैं, हाँ द पिवोटिंग फंक्शन इज यूज टू रीशेप अ गिवन डेटा फ्रेम ऑर्गेनाइज्ड बाय गिवन इंडेक्सिंग कॉलम वैल्यू।
दिस फंक्शन डज नॉट सपोर्ट डेटा एग्रीगेशन. मल्टीपल वैल्यू विल रिजल्ट इन अ मल्टी इंडेक्सिंग इन द कॉलम्स. ठीक है, इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी में देखें, पिवट फंक्शन का उपयोग दिए गए डेटा फ्रेम को इंडेक्सिंग कॉलम मानों द्वारा व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है. यह फंक्शन डेटा एकत्रीकरण का समर्थन नहीं करता. एकत्रित मानों को परिणाम स्वरूप कॉलम में मल्टी इंडेक्सिंग द्वारा यूज किया जाता है. मतलब पिवटिंग फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, रीशेप करता है आपके किसी भी डेटा फ्रेम के ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडेक्सिंग कॉलम को या फिर किसी वैल्यू को, जिसे पिवटिंग फंक्शन के अपन कहते हैं, है ना. इसका एज ए इंडेक्स देखिए तो क्या आया, डेटा फ्रेम डॉट पिवटिंग सेल्फ इंडेक्स इज इक्वल्स टू नन, कॉलम इज इक्वल्स टू नन एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू नन. ठीक है, इसी को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट लिखा डीएफ पिवटिंग, है ना, इंडेक्सिंग कॉलम और वैल्यू. ये इसके डेटा फ्रेम है, ये उसकी इंडेक्सिंग है, उसकी कॉलम है और ये इसकी वैल्यू को. तो ये इस तरीके से उसे क्या करता है बच्चों, रिसाइजिंग करता है. ठीक है, तो ये पिवटिंग का क्या है, एग्जाम्पल से मैंने आपको ऐसा दिया. आप चाहें तो इसका सिंटेक्स वाला एग्जाम्पल बुक में से भी पढ़ देख सकते हैं. क्लियर. चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना. आज हमने इंडेक्सिंग देखी, शॉर्टिंग देखा और पिवटिंग फंक्शन को डिस्कस किया. अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.